हाय एवरीवन, आज की रेसिपी है मटन स्टू की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, शाहजीरा और जावित्री का एक फूल छोटा सा। उसके बाद 2 चम्मच तेल लिया है, ये मैंने 2 चम्मच तेल में 4 बड़े प्याज काट के डाले हैं। उसके बाद लहसुन, तो ये लहसुन डाल दिया और अब इन दोनों को फ्राई करना है। तो ये जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद देखो ये ऐसे मतलब हो गए ना, ज़्यादा काले नहीं करने हैं, इनको थोड़ा ब्राउन ही रहने देना है। तो इसके बाद मटन डाल देना है। तो ये मटन होगा करीबन 750 ग्राम। तो मटन को मैंने धो के रख लिया था पहले, फिर मटन डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है 15 मिनट। उसके बाद इसमें नमक डाल दिया मैंने, ठीक है ऐसे करना है ना। और फिर अब इसको नमक डाल के अच्छे से मैं और हिला दूँगी ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस टाइम पे नमक इसलिए डाला है मैंने ताकि इसमें अच्छे से गोश्त में नमक मिक्स हो जाए। अब ये है मटन कोरमे का, जो वाइट मटन कोरमा होता है ना उसका मसाला है। तो ये आप किसी में भी डाल सकते हैं, आप कोई सा भी वाइट वाला मसाला ले सकते हैं, अफ़गानी का भी ले सकते हैं। तो बस ये टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा डाला है इसमें, इससे अच्छा टेस्ट आता है। 2 चम्मच डाले हैं मैंने। तो अब फिर इसमें जाएगा अदरक, अदरक का पेस्ट। और अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से इसमें भूनना है। ये थोड़ा सा पानी और डाल दिया मैंने। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले जाएगी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसको थोड़ा सा और भूनना है, फ्राई करना है। मतलब अब इसमें पानी थोड़ा सा डाला है, अदरक का जो पानी था ना बस वही। फिर इसमें अब आपको बिल्कुल भी और पानी अभी नहीं डालना है। तो मैंने अब इसमें तेल डाला, क्योंकि 2 चम्मच तेल लिए थे ना इसलिए। तो ये 3 चम्मच तेल हो गया। अब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया 3 चम्मच। और अब इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते रहना है, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही पानी ना डालें। इसमें पानी डाल डाल के ही इसको भूनना है, जब तक ये अच्छे से नहीं भून जाता। तो अब ये प्याज में और मैंने फ्राई करके डाले हैं। अब 1 चम्मच तेल लिया और प्याज फ्राई करे 1 प्याज और इसमें डाल दिया। तो फिर बस प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से इसमें मिक्स कर दें पूरा। और मिक्स होने के बाद इसमें आपको दही डालना है। अब तो ये मैंने दही जो लिया है बिल्कुल फ्रेश है, खट्टा दही यूज़ नहीं करना है, फ्रेश होना चाहिए दही। तो मैंने इसमें 6 से 7 मतलब ऐसे मेजर किया था, तो 6 से 7 चम्मच लिया था। अच्छे से इसको मैंने मिक्सी में फेंट लिया ताकि लम्स ना रहे। तो ये दही डाल दिया, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। मतलब दही तो आपने अभी डाल दिया, उसके बाद जब जैसे पानी डालते हैं ना वैसे थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, आधा कप, उससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो अभी तो मैंने दही डाला इसमें, और दही डालकर मैंने इसको बस अच्छे से हिला दिया ताकि लम्स ना रहे, बिल्कुल ना रहे। और अब इसमें पानी डाल दिया है मैंने, दही को पहले अच्छे से इसमें पकाया उसके बाद ही पानी अब डाला है मैंने। तो अब इसको क्या है, ये अच्छे से पक चुका है, 60% तो ये पक ही चुका है ऐसे भूनने में ही। मतलब इसको इतना अच्छा भूनना है कि 60% ये बन ही जाए। तो उसके बाद इसको अच्छे से कवर करना है कि मतलब बाहर इसकी बिल्कुल भी एयर बाहर ना जाए। फिर इसके बाद आपको बीच में चेक भी करते रहना है कि कहीं इसका पानी बिल्कुल टूट तो नहीं गया। तो इसमें काफ़ी पानी था और अच्छे से मतलब बन रहा था ये। तो इस मोमेंट पे आपको इसमें ये 10 बड़ी मिर्ची लेनी है, रेड वाली, खड़ी वाली, सूखी वाली। इसे डालने के बाद फिर से आपको इसको कवर कर देना है जब तक पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता। तो अब देखो
थोड़ी देर बाद पानी इसका थोड़ा कम हो गया है, तो अब मैंने इसमें मसाले डाल दिए क्योंकि ऑलमोस्ट बन गया है। तो ये मटन मसाला डाला है मैंने और थोड़ा सा डाला है बस, और अब धनिया से इसको गार्निश कर दूँगी। अब इसका फ्लेम मैंने बंद नहीं किया, अभी इसका फ्लेम चालू है, तो बस इसको जब तक ही बनाना है जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता और जब तक अच्छे से गोश्त गल नहीं जाता। तो अब बस ये दोनों ही ऑलमोस्ट हो चुका था बन चुका, तो बस ये बन के रेडी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।